आप हमारे चैनल की सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं और आपके फोन मेरे पास आते रहते हैं, उससे पता लगता है कि आपको एक्यूप्रेशर में काफी रुचि है। आज की वीडियो में हम गर्भवती महिलाओं के बारे में बताएंगे कि एक्यूप्रेशर में उनको कौन-कौन से पॉइंट नहीं लगाने चाहिए, किस पॉइंट के लगाने से क्या होगा, वो इस वीडियो में लगातार आप देखते रहिए, आपको बताया जाएगा। एक्यूप्रेशर की किसी भी वीडियो को आप स्किप ना किया करें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कोई लिंक होता है और उससे वीडियो पूरी देखेंगे तो ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। गर्भवती महिलाओं को कौन से पॉइंट यूज नहीं करने चाहिए, उनके उपचार में कौन से पॉइंट शामिल नहीं करने चाहिए, इस बारे में अब आगे जानते हैं। LI4 लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर पॉइंट, SP1 स्प्लीन मेरिडियन का 1 नंबर पॉइंट, SP2 स्प्लीन मेरिडियन का 2 नंबर पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को गर्भवती महिलाओं को पूरे टाइम में नहीं देना चाहिए। जब तक संतान ना हो जाए तब तक इन तीनों पॉइंट को उपचार में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इससे उनको गर्भपात हो सकता है या अन्य परेशानियां भी आ सकती हैं। दूसरों को भी इस प्रकार की जानकारियां भेज सकते हैं, उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। डू नॉट यूज ZB34 पॉइंट आफ्टर फर्स्ट मंथ। पहले महीने के बाद गर्भवती महिलाओं को जीबी गॉल ब्लेडर मेरिडियन का 34 नंबर पॉइंट, इसको उपचार में शामिल नहीं करना चाहिए। K1P8 किडनी मेरिडियन का 1 नंबर और पेरिकार्डियम मेरिडियन का 8 नंबर पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का उपयोग 3rd से 9th मंथ के बीच उपचार में शामिल नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इन दो पॉइंट को 3 से 9 महीने के बीच में नहीं देना चाहिए। आगे चलते हैं। TW10 ट्रिपल वार्मर का 10 नंबर पॉइंट और पेरिकार्डियम का 6 नंबर, P6 पॉइंट का उपयोग 4th महीने से नहीं करना चाहिए, तो इनको करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। और यदि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक हो तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी आने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। आगे ST45 स्टमक मेरिडियन का 45 नंबर पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन का 10 नंबर पॉइंट, इन दोनों का उपयोग 6 महीने से नहीं करना चाहिए, 6 मंथ से आगे तक नहीं करना चाहिए, जब तक वे संतान को जन्म ना दे दें। तो इन दोनों पॉइंट को गर्भवती महिलाओं को उनके उपचार में शामिल नहीं करें। आगे LI10 लार्ज इंटेस्टाइन का 10 नंबर और स्प्लीन मेरिडियन का 6 नंबर, SP6, इन दोनों पॉइंट का उपयोग TCM के अंतर्गत 9th मंथ में नहीं करना चाहिए। डोंट यूज दिस पॉइंट इन 9th मंथ। K2 पॉइंट किडनी मेरिडियन का 2 नंबर पॉइंट, इस पॉइंट का उपयोग 8वें और 9वें महीने यानी कि 8th एंड 9th मंथ में नहीं करना चाहिए, और गर्भवती महिलाओं को ये दोनों पॉइंट उपचार में नहीं देने चाहिए। K1 पॉइंट इस पॉइंट को लो ब्लड प्रेशर वाले रोगी को नहीं देना चाहिए। यदि आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आती हैं और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे दूसरों को भी लाभ प्राप्त हो। और अपने कमेंट इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, जिससे हमें आपके अनुरूप वीडियो बनाने में सहायता प्राप्त होगी और इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है कि हम आगे वीडियो बनाते रहें। यदि आप कमेंट नहीं करते तो हमें लगता है कि इस सब्जेक्ट में किसी की रुचि नहीं है, तो हमें सब्जेक्ट बदलना पड़ सकता है और एक्यूप्रेशर के इस चैनल को के स्थान पर दूसरा चैनल शुरू करना पड़ सकता है। तो आप हमें कमेंट लिखें और अपनी जानकारियां यहाँ पर दें कि आप और ज़्यादा किस वीडियो के
या किस बीमारी के बारे में वीडियो चाहते हैं। आगे चलते हैं, ST36, ये स्टमक मेरिडियन का 36 पॉइंट है। इसका ज़्यादा प्रयोग करने से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, तो इसका ज़्यादा प्रयोग कब्ज को जन्म देता है, तो इसका प्रयोग भी आप बहुत ही सावधानी से करें। अगला पॉइंट है UB58, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का 58 नंबर पॉइंट। इसका ज़्यादा यूज करने से पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है या हो सकती है, तो इस पॉइंट के अधिक प्रयोग करने से पाइल्स हो सकता है, इसलिए इस पॉइंट को भी अधिक यूज लंबे समय तक यूज ना करें। बार मैग्नेट का कोर्स किस प्रकार से किया जाना है, इसकी PDF भी आपको मिलेगी और वीडियो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये किस प्रकार से और वीडियो बार बार पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर जाके, तो आप ये किस प्रकार से आपको ये करना है वो पूरी जानकारी आप हमें कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर पूरी जानकारी दी जा रही है, आप ये कोर्स करें और रोगी को किस प्रकार से सफलता प्राप्त होनी है उसके बारे में आप हमारी वीडियो में और क्लास में देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और यदि आप एक्यूप्रेशर से संबंधित पूरा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, चाइनीज एक्यूप्रेशर, डॉक्टर वॉल, कलर थेरेपी, शीट थेरेपी, इन सब के बारे में हमारे 4 सेमेस्टर जो पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, ये 6-6 महीने के होते हैं और इनमें पुस्तकें हमारे संस्थान की तरफ से आपको भेजी जाती हैं। इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, मास्टर एडवांस डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। तो आप ये कोर्स करके बहुत अच्छा अपने आप को अच्छा थेरेपिस्ट बना सकते हैं और अच्छा जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी सब स्क्रीन पर दी जा रही है एडमिशन से संबंधित। यदि कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसा लगा आपको यह वीडियो, क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है। तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा, और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।